श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है और ये तय होगा कि जो सर्वे कराया जाएगा मस्जिद में वो उसकी टीम क्या होगी। विवादित परिसर में सर्वे को लेकर फैसला आएगा, सर्वे के तौर तरीकों को लेकर या जो टीम तय होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, सर्वे को लेकर कोर्ट कमिश्नर कौन होंगे, ये तय किया जाएगा और ये कोर्ट की तरफ से आज सामने आ सकता है। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ आज क्यों नजरें हैं, तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि या ईदगाह, इसको लेकर एक अहम सुनवाई है। आज क्या होगा सबसे पहले वो आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, पहली बात तो ये, और विवादित परिसर में सर्वे पर फैसला आएगा। और सर्वे के तौर तरीके इसमें तय किए जाएंगे। इस फैसले में सर्वे किस तरीके से होगा, प्रोसेस क्या होगा, इस पर फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर का भी नाम तय होगा साथ में। सर्वे की टीम में कौन कौन होगा, इस पर भी कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। और फैसला क्या, जी ज्ञानवापी का सर्वे होगा, किस तरह से होगा, इस पर यह फैसला आना है। तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, पंकज झा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज, ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये एक तरह से पहले ही ज्ञानवापी का मामला, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा मामला देश के सामने है, और अब एक और मस्जिद से जुड़े सर्वे का मामला सामने है। तो क्या माना जाए, क्या ऐसा लगता है कि ये वैसा ही होगा जैसा ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, इसी तरह से टीम बनाई जाएगी और इसी तरह से दिन लगेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने हूँ और देखिए जी, कोर्ट ने जो आखिरी बार जो फैसला दिया था श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले को लेकर के, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो मयंक कुमार जैन जो जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था, अपने ऑर्डर में लिखा है और जिक्र किया है, ज्ञानवापी वाराणसी में जो सर्वे हुआ था वहाँ सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसका जिक्र किया गया। तो ये माना जा रहा है कि उसी तरीके से यहाँ सर्वे किया जाएगा। पिछले आदेश में कहा गया था फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। आप एक चीज़ देख लीजिए कि ज्ञानवापी में ASI की तरफ से साइंटिफिक सर्वे हुआ और उससे पहले एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से सर्वे हुआ। ये जो आज फैसला होगा कि उसमें कितने होंगे एडवोकेट कमिश्नर, एक होंगे, दो होंगे या तीन होंगे, दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी दोपहर 2 बजे के बाद। उसके बाद कोर्ट तय करेगा, एक समय सीमा देगा कि इतने दिनों में कोर्ट कमिश्नर जो है वो सर्वे का काम पूरा कर ले। अब सवाल उठता ये है कि सर्वे क्यों हो रहा है, जो विवाद चल रहा है कि क्या वो जो स्ट्रक्चर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसमें जो हिंदू पक्ष का दावा है कि उसमें शेषनाग है, कमल है, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक किताबें और पिछले कुछ कॉपियाँ भी दी हैं जिससे प्रमाणित होता है कि वो जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। तो ये जो सर्वे होगा उसमें फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। जो चीजें उस इमारत में जैसी हैं उस हालात में देखकर उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी। बड़ी बात आप बता रहे हैं, और एक तरह से आपने पूरा समराइज करके बताया कि आज कोर्ट में होने क्या जा रहा है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा जो विवाद है इसको लेकर।